नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। तो ये है TVS का iQube, इसका स्टैंडर्ड वेरिएंट, इसकी रेंज वगैरह, प्राइस वगैरह जो है वो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, और इस स्कूटर के बारे में थोड़ा सा ओपिनियन जो है वो भी शेयर करने वाले हैं। कैसा है ये स्कूटर, आपको लेना चाहिए फिर नहीं लेना चाहिए, कैसी ये डिफरेंट है दूसरे इलेक्ट्रिक स्कूटर से, सारी बातें करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो का एंड तक बने रहना, अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल जो है वो सब्सक्राइब करो। इस वाले स्कूटर का सबसे मेन डिफरेंशिएटिंग पॉइंट जो है वो इसके डिज़ाइन है। नॉर्मल जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, अभी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आ रहे हैं, उनमें आपको थोड़ी फ्यूचरिस्टिक सी या फिर थोड़ी अतरंगी सी डिज़ाइन देखने को मिल जाती है, किधर से लाइट जा रही है, किधर से क्या डिज़ाइन आ रहा है। लेकिन इसके अंदर आपको एकदम सिंपल सोबर सा लुक देखने को मिल रहा है, जैसे ये नॉर्मल कन्वेंशनल स्कूटर जितने भी आते हैं, जुपिटर हो गया या एक्टिवा हो गया, ये इनसे ही थोड़ा बहुत सिमिलर है। और रोड पर अगर ये चलता है तो फिर उनके बीच में एकदम बराबर से मिक्स हो जाता है। तो डिज़ाइन के मामले में अगर आपको थोड़ा सोबर लुक पसंद है तो भाई वहाँ पर आपको ये पसंद आ सकता है। अब इसका मेन कंपटीशन जो है वो ओला और एथर के साथ में, उनकी लाइन में जितने भी स्कूटर्स आते हैं उनसे ही सीधा सीधा कम्पीट करता है। अब उन दोनों स्कूटर से भी इसमें बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट आती है। वो दोनों ही स्कूटर जो है उनमें जो पावर ट्रेन है वो थोड़ी डिफरेंट दिक्कत रखी हुई है। जो एथर आता है उसमें आपको बेल ड्रिवन देखने को मिलता है, और ओला के अंदर भी जो मोटर है वो अलग अंदर की तरफ लगी हुई है और टायर को एकदम फ्री छोड़ा हुआ है। लेकिन इस वाले स्कूटर के अंदर आपको ये जो मोटर है या फिर इसका जो पावर ट्रेन है वो हब मोटर वाला देखने को मिलता है। इसकी ये जो मोटर है वो इसके अंदर देकर रखी हुई है और इसी से ये पावर लेता है। तो ये एक और डिफरेंशिएटिंग चीज़ हो सकती है इस स्कूटर के बारे में। अब बात करते हैं स्कूटर की। तो देखो स्कूटर कुछ आपको देखने में ऐसा लगेगा सिंपल सोबर लुक के साथ में आ रहा है। यहाँ पर देखो तो भाई आपको यहाँ पर DRL देखने को मिल जाएगा। मैं इसको ऑन करके ही बता देता हूँ आपको। तो ये कुछ ऐसा DRL जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ये काउल वगैरह देकर रखा हुआ है, स्मार्ट एक्स की बैजिंग वगैरह है। इधर नीचे देखो तो ये फेंडर टाइप का देकर रखा हुआ है, TVS का लोगो या फिर एम्बलम कह सकते हो, यहाँ पर लगा हुआ है। डुअल टोन शेड ऑफ फिनिश दे रहा है। नीचे की तरफ आपको यहाँ पर जो ये हेडलैम्प जो है वो देखने को मिल जा रहा है, और यहीं पर आपको पोजिशन जो इंडिकेटर है वो देखने को मिल जा रहा है। मैं आपको चला कर दिखा देता हूँ। तो ये कुछ ऐसे इंडिकेटर जो है वो आपको देखने को मिल जा रहे हैं। बाकी नीचे की तरफ देखो तो भाई आपको यहाँ पर ये टायर देखने को मिल जाएगा, जिसमें यहाँ पर ये डिस्क ब्रेक लगा हुआ है, और ये आपको 12 इंचेस का अलॉय व्हील जो है वो देकर रखा हुआ है। टायर प्रोफाइल की बात करें तो भाई आपको 90x90 सेक्शन का टायर जो है वो देखने को मिल जाने वाला है। फ्रंट पे अगर और देखो तो भाई यहाँ पर आपको ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जो है वो देखने को मिल रहा है। ओला जो आता है उसके अंदर आपको सिंगल सस्पेंशन जो है, सिंगल शॉक अब्जॉर्बर वो देखने को मिलता है, लेकिन इसके अंदर आपको दोनों तरफ डुअल वाला देकर रखा हुआ है। और ये सेम सेटअप है जो कि आपको शायद से जुपिटर जो आती है उसके अंदर भी देखने को मिल जाता है। मैंने इसको थोड़ा बहुत चला कर देखा है तो भाई उसमें मैंने एक और चीज़ नोटिस करी कि भाई इसके अंदर आपको ये जो इसका कंफर्ट है वो थोड़ा बेटर देखने को मिल जाता है। अब ओला ज़्यादा चला ही नहीं है मैंने, लेकिन ओला में इतना कुछ खास देखने को नहीं मिलता फ्रंट की तरफ से, पर ओला में यहाँ पर ये टूटने का चांस भी रहता है, बहुत सारी चीज़ें देखी हुई है मैंने, तो भाई वहाँ से भी थोड़ा बेटर हो जाता है उसके मामले में। साइड से देखो तो भाई साइड से एकदम सिंपल सोबर सी लुक आती है इसके अंदर, जो कि आपको जुपिटर के अंदर देखने को मिलती है। लगभग वैसी सी लुक है इसकी, चाहे ये इसका साइड पैनल देख लो यहाँ पर, चाहे इसका ये फुटबोर्ड वाला एरिया जो है उसको देख लो, लगभग सिमिलर सी लुक है साइड से, ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर आपको ये iQube की ब्रांडिंग वगैरह और इलेक्ट्रिक वगैरह जो है वो देकर रखा हुआ है। ये की होल जो है वो यहाँ पर देकर रखा हुआ है, जिससे आप सीट ओपन कर सकते हो। यहाँ पर ये फुट स्टेप देखने को मिल जाता है, ये वाला फुट स्टेप जो है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। साइड से एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है इसके अंदर, यहाँ पर आपको ये साइड में जो नॉर्मल स्कूटर्स के अंदर इंजन देखने को मिलता है, उस जगह पर आपको यहाँ पर ये ऐसा पैनल बनाकर दिया हुआ है प्लास्टिक का, और उसी के साथ में यहाँ पर ये TVS इलेक्ट्रिक की ब्रांडिंग जो है वो ऐसे ग्लोइंग, जो ऐसे ग्लो करने वाला होता है एल्यूमिनेटिंग, वो देकर रखी हुई है, देखने में बढ़िया लगती है। बाकी रियर से कुछ देखो तो भाई आपको देखने में ऐसी लगने वाली है, यहाँ पर भी सिंपल सी लुक देकर रखी हुई है। ये LED सेटअप देकर रखा हुआ है, टेल लैंप है, स्टॉप लैंप है, यहाँ पर इंडिकेटर जो है वो देकर रखा हुआ है। TVS का लोगो यहाँ पर भी बना हुआ है, और ये नंबर प्लेट होल्डर वगैरह जो है उसकी पोजीशनिंग, और यहाँ पर उसके लिए लैंप देकर रखा हुआ है, और नीचे नॉर्मल जैसा ये रिफ्लेक्टर वगैरह, साइड में रिफ्लेक्टर वगैरह आता है वो सेम लुक देकर रखा हुआ है। पीछे ये आपको नॉर्मल सा ग्रैब हैंडल जो है वो देखने को मिल जाता है, पकड़ के बैठना चाहो तो पीछे पकड़ के बैठ सकते हो। और इधर से देखो तो भाई इधर लगभग सेम ही लुक है, बस यहाँ पर पीछे आपको एक और चीज़ दिखानी थी। फ्रंट में इसमें आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल रहा है, और रियर में आपको यहाँ पर ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है। ओला वगैरह वहाँ पर डिस्क ब्रेक ऑफर करते हैं, लेकिन ये अभी भी ड्रम ब्रेक के ऊपर ही है, इसके लिए सफिशियंट है। और एक चीज़ और, यहाँ पर आपको रियर में भी डुअल सस्पेंशन जो है वो देखने को मिल जाता है, एक इस तरफ लगा हुआ है
दूसरा वाला जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है। अब की के बारे में बात कर लेते थे, तो भाई चाबी आपको कुछ ऐसे देखने को मिल जाती है जो आप गाड़ी चालू वालू करते हो तो उसके लिए यहाँ पर होल देकर रखा हुआ है, और अगर आपको ये डिक्की वगैरह खोलनी है तो भाई उसके लिए आपको यहाँ पर की होल जो है वो देकर रखा हुआ है, जैसा कि ये नॉर्मल स्कूटर के अंदर प्रोवाइड करते हैं। खोल दिया है तो भाई बूट भी दिखा देता हूँ, तो भाई आपको कुछ ऐसा बूट जो है या फिर सीट जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी अंदर की तरफ देखो तो भाई यहाँ पर ऐसा कुछ स्पेस देकर रखा हुआ है, ज़्यादा स्पेस नहीं है ये। मैंने जो अभी हेलमेट पहन कर रखा हुआ है हाफ फेस, मैं आपको दिखा देता हूँ हेलमेट भी। ये वेस्पा का हेलमेट है, ऐसे थोड़ा वाइडर साइड पे है, मोटा सा हेलमेट है। अब ये वाला हेलमेट इसके अंदर फिट नहीं हो रहा, आप देख सकते हो ये फिट नहीं हो रहा। मैं इसको बंद करूंगा तो भाई मेरे को थोड़ा ऐसे फिट बंद करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो भाई ये मेरे को थोड़ी कमी लगी कि भाई इसमें हाफ फेस हेलमेट भी नहीं आ रहा, फुल फेस हेलमेट कैसे आएगा। तो भाई बूट वाइज ये मेरे को थोड़ा कम लगी। बाकी सीट के अंदर की बात करें तो भाई यहाँ पर आपको ये स्ट्रैप देकर रखे हुए हैं, आप कुछ चीज़ अटका के रखना चाहो तो वो रख सकते हो। बूट लैंप वगैरह जैसी चीज़ें तो देकर नहीं रखी हुई, पता नहीं और एज ऑप्शन अवेलेबल होंगे शोरूम के अंदर। और यहाँ पर आपको ये यूएसबी पॉइंट जो है वो देकर रखा हुआ है। यूएसबी पॉइंट मैं और दिखा देता हूँ फोकस करके, कि मेरे लिए भाई यूज़फुल नहीं है क्योंकि भाई मेरा हेलमेट ऐसा मोटा सा है तो भाई वहाँ पर ये काम नहीं आने वाला। अब हम बढ़ते हैं इसके कॉन्सोल की तरफ, तो भाई इसका कॉन्सोल कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाने वाला है। बीच में आपको यहाँ पर 5 इंचेस की स्क्रीन देकर रखी हुई है, जैसे ही आप की ऑन करोगे तो भाई ये स्क्रीन चालू हो जाएगी। स्क्रीन में देखो तो भाई बीच में स्क्रीन है, TFT स्क्रीन देकर रखी हुई है, कलर डिस्प्ले है, और साइड में आपको यहाँ पर जितने भी वार्निंग लाइट्स वगैरह है वो देखने को मिल जाने वाली है। एक बार वापस से दिखा देता हूँ आपको, ये कुछ वार्निंग लाइट्स देकर रखी हुई है। स्विचेस की बात करें तो भाई जो नॉर्मल स्कूटर्स के अंदर स्विचेस आते हैं लगभग वैसे ऐसे ही देकर रखे हुए हैं। लाइट में आप जो अगर एडजस्ट करना चाहो तो भाई ये लो बीम हाई बीम के लिए स्विच देकर रखा हुआ है। ये इंडिकेटर का स्विच है, ये हॉर्न का स्विच है। इधर साइड में देखो तो भाई आपको यहाँ पर हजार्ड लैंप का स्विच देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ये पी पार्किंग के लिए कुछ देकर रखा हुआ है, और यहाँ पर ये मोड का बटन जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी इधर जो है वो आपका एक्सीलेटर देकर रखा हुआ है, इधर नॉर्मल ग्रैब हैंडल है, और जो ये ब्रेक लीवर्स की बात करें तो ब्रेक लीवर आपको एल्यूमिनियम फिनिश के जो है वो देखने को मिलने वाला है, और इधर ये पार्किंग ब्रेक के साथ में आ रहा है तो आप इसको ऐसे पार्किंग ब्रेक जो है वो भी इंगेज कर सकते हो। इधर भी ऐसे सेम लीवर देकर रखा हुआ है। रियर व्यू मिरर की बात करें तो भाई ये रियर व्यू मिरर कुछ इस टाइप के है, स्क्वायर शेप के देखकर रखे हुए हैं, और ये भी मतलब देखने वगैरह में थोड़े कूल से और थोड़ी ऐसी अच्छी फिनिश जो आती है उसके देखने को मिल रहा है। अब डिस्प्ले की बात करें तो भाई आपको कुछ ऐसे डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, थोड़ा ISO एडजस्ट कर रहा है तो भाई आपको खाली डिस्प्ले डिस्प्ले ही दिखेगी। अब डिस्प्ले जो है इसका एक वेरिएंट जो आता है उसके अंदर मैंने बड़ी देखी थी और टच स्क्रीन के साथ में देखी थी, ये इसका लोअर वेरिएंट है, तो भाई इसके अंदर आपको कुछ ऐसी डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल रही है। छोटी डिस्प्ले टच स्क्रीन भी देकर नहीं रखा हुआ, और इसको एडजस्ट करने के बटन भी मेरे को अभी तक तो कहीं पर भी नहीं दिखे। अब करंट कंडीशन के अंदर भाई आपको बैटरी परसेंटेज जो है वो दिखा रहा है, और इसको चालू करने का जो गाइड है या फिर जो आप मैनुअल कह सकते हो वो आपको दिखा रहा है कि भाई आपको ये वाला ब्रेक जो है वो प्रेस करना है, और यहाँ पर ये बटन जो है ये वाला प्रेस करके रखना है तो भाई ये आप चला सकते हो, चालू हो जाएगा। तो अभी वो कर ही देख लेते हैं, तो ये कुछ ऐसे चालू हो जाता है, थोड़ी देर बीप करता है, आपको थोड़ा बोलता है कि भाई चालू हो चुका हूँ मैं, तो ध्यान से चलाओ आप, एक्सीलेटर वगैरह मत दबा देना क्योंकि आवाज़ तो आती नहीं है तो पता चलेगा नहीं नॉर्मल तरीके से। डिस्प्ले पर आपको कुछ ऐसी देकर रखी हुई है, बीच में आपको यहाँ पर स्पीडोमीटर देखने को मिल रहा है, और ये जैसे रिंग बनी हुई है इसके अंदर आपको ये जो मोड आता है इको और पावर उसका थोड़ा बहुत इंडिकेशन जो है वो देखने को मिल रहा है। ये मोड वाला बटन दबाओगे तो भाई ये वाली चीज़ जो है वो यहाँ पर ऐसे बदल जाएगी, अभी ये पावर मोड के अंदर आ चुका है, और जैसे इसको दबाओगे तो भाई ये जो है वो सही हो जाएगा वापस। नीचे की तरफ आपको ओडोमीटर देखने को मिल रहा है, इधर ट्रिप मीटर जो है वो देखने को मिल रहा है, इधर एवरेज जो स्पीड वगैरह जो आती है वो देखने को मिल रही है। ऊपर की तरफ देखो तो भाई आपको यहाँ पर जो ये इसकी डिस्टेंस टू एम्प्टी कह सकते हो या फिर आपकी जो बची हुई रेंज है वो देखने को मिल रही है, DT साइन बना हुआ है डिस्टेंस टू एम्प्टी मतलब। इधर देखो तो भाई आपका ये पूरा फ़ोन के लिए जो सिस्टम आता है वो बना हुआ है, अगर आपका फ़ोन कनेक्टेड है ये स्मार्ट टेक्स कनेक्टिविटी की मदद से, तो भाई उससे आप पूरा फ़ोन कनेक्ट कर सकते हो, और इसके अंदर आपकी फ़ोन की जितनी भी डिटेल है नेविगेशन वगैरह वो सारी चीज़ें इसके अंदर शोकेस हो जाएगी, नया फ़ोन क्या आ रहा है, मैसेज क्या आ रहा है, बैटरी कितनी है फ़ोन के अंदर, उसमें कनेक्शन क्या है वगैरह सारा। और इधर देखो तो भाई आपकी बैटरी परसेंटेज जो है वो इधर शो करी जा रही है, अभी 92% है तो भाई ऐसे 92% बता रहा है। बाकी डिस्प्ले में और कंट्रोल आपको चाहिए तो भाई आप अपने डायरेक्ट फ़ोन से ही कर सकते हो, वहीं पर आपको सारे बटन जो है वो देखने को मिल जाने वाले हैं। बाकी ये वाला बटन जो है वो आपकी रिवर्स गियर जो है उसके लिए देकर रखा हुआ है, भाई अगर आप इसको यहाँ पर ऐसे प्रेस कर रखते हो और उसी के साथ में आपने ब्रेक वगैरह जो है वो भी दबा कर रखा हुआ है तो भाई आपका यहाँ पर जो है वो थोड़ा चीज़ जो है वो चेंज हो जाती है, पार्किंग मोड दिखा हुआ आ जाता है, साथ ही में ये फॉरवर्ड और रिवर्स का भी ऑप्शन आपको दिखाई दे जाता है। तो जैसे ही आप इसको प्रेस करते हो तो भाई अभी जैसे ये फॉरवर्ड के अंदर है तो भाई ये भी रिवर्स के अंदर हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये जो एरो है वो बनकर आ चुका है,
और ये ऐसे बीप भी मारने लग जाएगा जैसे ही आप इसको थोड़ा बहुत प्रेस करोगे, तो भाई आपकी गाड़ी जो है वो ऐसे पीछे खिसकने लग जाएगी। तो भाई उसके लिए ये वाला चीज़ जो है वो देखकर रखी हुई है। साथ ही में जब तक ये वाला मोड इंगेज रहता है तब तक भाई ये बीप बीप भी करता रहता है, जिससे भाई आपको पता रहे कि भाई आपकी गाड़ी रिवर्स के अंदर है। तो भाई ये चीज़ बढ़िया लगी मेरे को। अब नीचे की तरफ यहाँ पर आपको ये चार्जिंग पॉइंट जो है वो देकर रखा हुआ है, अपने होम पे जो 15 एम्पीयर का चार्जर देकर रखा हुआ है उससे आप इसको चार्ज कर सकते हो। यहाँ पर ये की होल बना हुआ है, ये मैंने आपको दिखा दिया, और यहाँ पर ये टकिन वाला जो लीवर है वो देकर रखा हुआ है। कुछ भी थैली वगैरह टकिन करनी है तो आप इससे कर सकते हो। बाकी ऐसे कोई हुक वगैरह या फिर कोई और एक्स्ट्रा चीज़ जो है ग्लव बॉक्स टाइप की वो आपको देकर नहीं रखी हुई। अब जैसा कि मैंने बताया कि भाई ये इसका बेस वेरिएंट है, तो भाई इस वाले वेरिएंट में इसकी रेंज जो है वो 100 किलोमीटर के आसपास क्लेम करी जाती है। रियल लाइफ के अंदर ये वाला स्कूटर 80-90 किलोमीटर तक की रेंज आपको ऑफर कर देता है अगर आप इसको ढंग से चलाओ तो। पावर और इको मोड पर अलग अलग डिपेंड करेगा। प्राइसिंग वगैरह की बात करें तो भाई इसमें इन टोटल 3 वेरियंट्स आते हैं। सबसे बेसिक वेरियंट जो कि आपने अभी देखा पूरे वीडियो में, इसकी प्राइस करीबन 1,60,000 रुपये के आसपास है अगर सब्सिडी आपने काउंट नहीं करी है तो। अगर आप सब्सिडी वगैरह सब काउंट कर दो तो भाई कैश में आपको ये 1,05,000 समथिंग पड़ जाएगा उदयपुर के अंदर। अगर आप किसी और डिफरेंट स्टेट के अंदर हो तो भाई ये प्राइस आपको थोड़ी डिफरेंट देखने को मिल सकती है। बाकी इसके 2 और वेरियंट्स आते हैं, उनकी प्राइस भी आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कैलकुलेट कर सकते हो अपने सिटी और अपने एरिया के हिसाब से पिन कोड वगैरह सब डाल करके। वैसे जितना भी मैंने इस स्कूटर के अंदर बताया ये सारे इसके स्टैंडर्ड वेरिएंट के फीचर्स है। अगर आप इसके हायर वेरिएंट्स लेते हो तो भाई उसके अंदर आपको और भी ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें देखने को मिल जाती है। टच स्क्रीन वगैरह अच्छी मिल जाएगी, बूट स्पेस आपको अच्छी मिल जाएगी। इसके बाद में आपको यहाँ पर चार्जिंग वगैरह का टाइम फास्ट देखने को मिलेगा। रेंज आपको सबसे हायर वेरियंट है उसके अंदर 145 किलोमीटर तक की देखने को मिल जाएगी। तो भाई वो सारी चीज़ें उन वाले वेरियंट्स के अंदर डिफरेंट है, उनके लिए आपको ज़्यादा पे करना भी पड़ेगा। इसके लिए आप कम पे करना है तो भाई आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिमिटेड देखने को मिल रही है, कम देखने को मिल रही है। देखो ये मेरे को ये स्कूटर जो है वो एवरेज लगा। अगर मैं मेरे पर्सनल चॉइस की बात करूँ तो भाई मैं ओला या फिर एथरा की तरफ जाऊँगा, क्योंकि भाई मेरे को उनकी डिज़ाइन थोड़ी अतरंगी से लगी, थोड़ी फ्यूचरिस्टिक से लगी। ये सिंपल सी स्कूटर है जो आपकी नॉर्मल एक्टिवा या फिर नॉर्मल जुपिटर जो आती है उसके जैसा दिखता है, तो भाई मैं इस लुक के साथ बनाना पसंद नहीं करूँगा। लेकिन अगर आपको ऐसे सिंपल से सोबर से लुक पसंद आते हैं तो भाई आप इसकी तरफ जा सकते हो, क्योंकि भाई ये देखने वाइज बढ़िया है। मैं इसको बुरा नहीं कह रहा, लेकिन मेरी टेस्ट का नहीं है ये। किसको कंसिडर करना चाहिए वो भी सुन लो। देखो अगर आपके पास में कोई शॉप है, आप काम करते हो सिटी के अंदर, आपको डेली 30-40 किलोमीटर घूमना रहता है, तो भाई वहाँ पर आप पेट्रोल स्कूटर लेकर नहीं चल सकते क्योंकि खर्चा ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आपका रनिंग सिटी के अंदर 40-50 किलोमीटर तक का है तो भाई आप इसको कंसिडर कर सकते हो। 2 दिन में चार्ज करो, 2 दिन तक ही आपका रेंज वगैरह टाइम में जो है वो निकाल देगा और आपका खर्चा वगैरह वहाँ पर कम हो जाएगा। साथ ही में अगर आपको ये इसके लुक्स पसंद आ रहे हैं तो भाई आप उसके बारे में भी इसको कंसिडर कर सकते हो, उसके लिए भी आपके लिए बेस्ट रहेगा ये वाला स्कूटर।